हेलो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि द कैवलियर स्पेशलाइज करता है डिफेंस फील्ड के यूपीएससी और दूसरे एग्जाम्स में, और पिछले 20 साल से हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और रिजल्ट्स आप खुद ही जानते हैं कि किस तरीके रिजल्ट सीडीएस में कैवलियर ने दिए हैं। अभी बच्चों की पॉपुलर डिमांड पे हम ऑनलाइन भी आ रहे हैं आपके लिए सीडीएस का ओटीए का ऑनलाइन कोर्स लेके, और क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी तो इसलिए हमने कोर्स शुरू किया है। 12 मार्च को आपका ये कोर्स शुरू होगा, 30 दिन चलेगा। इस 30 दिन के कोर्स में आपको हर रोज 5 से 6 घंटे की पढ़ाई कराई जाएगी, कई प्रकार के आपके साथ में असाइनमेंट्स, शॉर्ट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सब कराए जाएंगे और साथ में डाउट सेशन भी किए जाएंगे। हमारी जो फैकल्टीज है वो सब 10 से 12 से 15 साल हमारे साथ में जुड़ी हुई है, और ये फैकल्टीज बार बार बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रही है, जो कि आप खुद भी शायद जानते हैं। ये पूरा जो कोर्स आपको मिलेगा इसकी फीस सिर्फ 4,999 है, और वो फीस भी अगर आप एग्जाम पास करके आते हैं हमारे पास मैसेज भी करने के लिए, तो वो फीस भी आपकी आपके कोर्स फीस में एडजस्ट की जाएगी ताकि आपको उसका पूरा बेनिफिट मिले। हमारी फैकल्टीज अभी आपको बताएंगी कि किस तरीके से आपके लिए इंश्योर किया जाएगा कि ये पूरा कोर्स आपके लिए फायदेमंद हो और सिर्फ 30 दिन में आप सीडीएस ओटी का एग्जाम क्रैक कर सकें। कुछ डिटेल्स यहां दे रखी हैं जो कि आप खुद से पढ़ सकते हैं। अब हमारी फैकल्टी एक एक करके आपको बताएंगी कि किस प्रकार से वो फैसिलिटेट करेंगे, वो यकीन करेंगे कि आपका कोर्स अच्छे से हो और आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सके। सबसे पहले हमारा जो मैथ्स पढ़ाते हैं शेखर सर, जो हमारे साथ में पिछले 12-15 साल से जुड़े हुए हैं, और बहुत लोगों ने हमारे YouTube चैनल पे इनके वीडियोस भी देखे होंगे और जानते होंगे कि किस तरीके से मैथ पढ़ाते हैं, वो कुछ डिटेल खुद से बताएं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जैसा कि सर ने इंट्रोड्यूस तो करवा ही दिया है, बस वो थोड़ा सा कम बोल दिया है। मैं 2006 से जुड़ा हुआ हूँ, तो उस हिसाब से 17 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। एंड जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर में, हम लोग ऑफलाइन से अब धीरे से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्स को भी, जो कि पॉपुलर डिमांड पे ही आया आपकी तरफ से कि सर ऑफलाइन के बजाय अगर ऑनलाइन चलाएं तो कैसा रहेगा। तो ऑनलाइन हम लोगों ने स्टार्ट करना है 12 मार्च से। इसकी फीस डिटेल्स और सब कुछ सर ने बताई दिया है, तो मेरा काम है मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊं। तो मैथ्स, जैसा कि बहुत बच्चों का होता है कि मैथ्स को लेके एक फोबिया होता है कि यार मैथ्स तो होता ही नहीं है, तो मैथ्स इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप मैथ्स को उसी तरह से पढ़ते हो जैसा आप स्कूल लेवल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एंट्रेंस क्रैक करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा, वहां पे किस तरह से चेंजेस करना है, किस तरह से क्वेश्चंस को जल्दी बना सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और वैसे भी कोर्स का नाम जब क्रैश कोर्स है तो क्वेश्चंस को भी हम लोगों को क्रैश वाले टेक्निक से ही करना होगा, तो वो सब सीखने के लिए आपको ये कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत है। 12 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, मैथ्स के कोर्स को हम लोग को 30 डेज में कवर करना है, तो इसका मतलब है कि आपको और मुझे दोनों को ही अपने फास्टेस्ट स्पीड में काम करना पड़ेगा। लेकिन ये स्पीड कैसे बनाई जाती है, कैसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आजकल पाए जाते हैं पेपर के अंदर में, और उनको करने का सही तरीका क्या है, ये सारी चीजें आपको इस 1 मंथ प्रोग्राम में सीखने को मिलेगी। प्लस इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो आपका डेली टेस्ट पेपर, वीकली टेस्ट पेपर, और एग्जाम से पहले उसी ड्यूरेशन में जिस ड्यूरेशन में आपका मैथ्स का पेपर होता है, दैट इज फ्रॉम 3 to 5, उसी स्लॉट में आपका मॉक टेस्ट होगा, सो दैट आप वेल एक्वाइंट हो जाओ अपने एग्जाम एटमॉस्फेयर के साथ। ठीक है, सो हमारी नेक्स्ट फैकल्टी अब यहां से टेक ओवर करेंगे। थैंक यू सर। मैम अभी आपको बताएंगी कि सीडीएस में साइंस का सेक्शन, जो कि साइंस और जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है, वो आपके साथ में कैसे कवर कराएंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस को तो डेफिनेटली सॉल्व कर पाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी फ्रॉम द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस, दैट इज द केवलियर। मैं आप लोगों का साइंस सेक्शन लेती हूं जिसमें केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कवर कराती हूं। साइंस सेक्शन में आप लोगों के 30 मार्क्स के क्वेश्चन साइंस से आते हैं। सीडीएस की बात करूंगी तो बायोलॉजी थोड़ा सा ज्यादा आएगा, पर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होते हैं, हमें पता है कि इस टॉपिक से आना ही आना है, तो हम लोग फोकस करके वही टॉपिक करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो रेगुलर जो हर साल आ रहे हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं, उन्हें हम छोड़ के नहीं जा सकते। तो आई विल मेक श्योर कि आपको ये क्वेश्चन ऐसे करा दूं कि एक भी क्वेश्चन देके भूले नहीं,
रात को जब सोएंगे तो भी बायोलॉजी आकर के डराए, इस तरीके से आपको बायो और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारा अच्छे से आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। आपके स्टूडेंट जनरली कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 18 से 19 इससे बाहर से नहीं आएंगे। एक आध क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है जो करंट अफेयर्स या कोई नए टॉपिक से टच कर देते हैं, अदरवाइज इससे बाहर से कुछ नहीं आता। थैंक यू मैम। थैंक यू। और अभी जो एक लार्ज पोर्शन है फिजिक्स का, वो हमारे ठाकुर सर आपको बताएंगे। फिजिक्स को जो बच्चों ने साइंस नहीं भी पढ़ा हुआ, आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने 10th के बाद में साइंस नहीं पढ़ा, फिजिक्स नहीं पढ़ा, वो कैसे इंश्योर करेंगे कि आप सीडीएस में इस फिजिक्स की चीजों को अच्छे से समझ के और अच्छा रिजल्ट ला सके? ठाकुर सर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड मैं अभिषेक ठाकुर फिजिक्स का पोर्शन कवर करता हूँ सीडीएस के लिए। हम लोग अभी लिए लॉन्च कर रहे हैं 12 मार्च से सीडीएस के क्रैश कोर्स के लिए। इसमें बेसिकली आपको बताया जाएगा कि किस पोर्शन से जो क्वेश्चन जनरली रिपीट होते हैं पेपर में, और आपको बताया जाएगा कि कम टाइम में क्वेश्चन आए और आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन पढ़े, आंसर में टू द पॉइंट आपको उसमें टिक लगाना है और डायरेक्ट आंसर बताना, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सारे टिप्स बताए जाएंगे और सबसे मेन बेनिफिट क्या है कि इसमें आपको रेगुलर असाइनमेंट, ये PYQ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर बेसिकली ज्यादा फोकस किया जाएगा, और आपको इसमें बेसिकली प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको एक एक क्वेश्चन, जनरली 10-12 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के जो मेजर पोर्शन है, आपको सारे टेक्निक के अकॉर्डिंग बताया जाएगा कि क्वेश्चन आए और आपको उसका सोल्यूशन, कोई ज्यादा ना तो पेन और पेपर की रिक्वायरमेंट है, माइंड में आप सॉल्व कीजिए और आंसर का टिक लगाइए। ये बेसिकली ये बताइए कि जो बच्चे 10वीं के बाद जिन्होंने फिजिक्स भी नहीं, उनको आप कैसे देते हैं? सर, उनको बेसिकली क्या होता है कि हम लोग डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग एक विजुअलाइज करके, डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग नेचुरल फेनोमेनन के अकॉर्डिंग बताते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है मैकेनिक्स में, डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग कंपेरिजन करके बताया जाता है कि ये ऐसे होता है, आपको उसमें इसके अकॉर्डिंग किसी बॉडी पे फोर्स लगाया गया है या कुछ भी, तो आपको विजुअलाइज करके बताया जाता है डेली लाइफ के अकॉर्डिंग कि वो मतलब उसके माइंड में स्टे कर जाए, ये मेन चीज। ओके, थैंक यू सर। अब जब हम साइंस की बात कर ही रहे हैं तो ये जीएस का पोर्शन है, और जो मेरा एक्सपीरियंस, थैंक यू सर, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जीएस से सीडीएस वाले बच्चे तो बहुत डरे रहते हैं कि पता नहीं क्या आएगा, कहाँ से आएगा, और वो उसमें से 90 क्वेश्चन जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह से आते हैं, तो हमारे भवानी सर आपको बताएंगे कि वो जो 90 क्वेश्चन बाकी बचे उसमें आप बगैर डरे, बगैर पसीने बहाए कैसे अच्छे से कवर करते। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम भवानी सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कैवेलियर डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सर ने आपको कोर्स के बारे में तो सारी डिटेल्स दे ही दी है, मैं आपको जीएस का जो सेक्शन है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे सीडीएस के जीएस में आप देखते हैं कि काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, लगभग 90 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 120 में से, और ये 90 क्वेश्चंस डिफरेंट सेक्शन से होंगे, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। जहां तक बात ज्योग्राफी की है तो ज्योग्राफी, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे जनरल ज्योग्राफी हो, इसको इजी बनाने के लिए हम कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे और साथ ही साथ हम यूज करेंगे मैप्स का। जैसे लोकेशन बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम जनरली कहीं पर भी कुछ भी सोच के उस लोकेशन को मार्क कर देते हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे हमारे इस 30 डेज के कोर्स में, तो हम आपको मैप्स के ऊपर लोकेशंस मार्क करके बताएंगे ताकि आप अगर किसी जगह को लोकेट भी करना चाहें लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में तो आप इजीली कर सकें। वहीं अगर हम बात करें हमारे हिस्ट्री के सेक्शन की, तो हिस्ट्री का सेक्शन थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है क्योंकि उसमें फैक्ट्स, ईयर्स, डेट्स काफी ज्यादा है, पर वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा अगर हम पूरी हिस्ट्री को अगर एक स्टोरी के फॉर्म में देखें, एक मूवी के फॉर्म में देखें, तो वो उसी तरह से आपको पढ़ाई जाएगी जैसे कि कोई फिल्म चल रही हो। और रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी देखिए ऐसे तो सब्जेक्ट ये रटने वाला है, पर हम रट्टाफिकेशन पे ध्यान देंगे नहीं, हम अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इस्टैब्लिश करेंगे ताकि याद रखने में चीजों को आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। इकोनॉमिक्स की बात करें, कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर्स देखने को मिलेंगे आपको इसमें, पर ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपकी डेली लाइफ के साथ आप रिलेट कर पाओगे।
तो जैसे जैसे हम कुछ वो 6 to 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे इकोनॉमिक्स में, आपको ये सब्जेक्ट भी इजी लगने लगेगा। और जैसा कि ये कोर्स आपके सामने है, रेगुलर मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और साथ ही साथ डाउट सेशंस, जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम रखेंगे, वो सब इस कोर्स का पार्ट है। एक खास बात इस कोर्स की ये है कि ये कोर्स उन लोगों के लिए नहीं है सिर्फ जो कॉलेज पास कर चुके हैं या फिर अपना ड्रॉप करके चल रहे हैं, जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, जो अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में और तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये जो ऑनलाइन कोर्स है ये बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस कोर्स में। आप जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल करवाएं और इस कोर्स के बेनिफिट्स को आराम से कंज्यूम करें। थैंक यू सो मच। मेंशन किया कि जो लोग कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, जी सर, तो इनको थोड़ी फैसिलिटी बताइए कि उनको कैसे ऑडिट लेक्चर्स भी आपसे मिले, या तो कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में हमने सारी तरह की फैसिलिटीज को यहाँ पर, रिसोर्सेज को हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। अगर बाई चांस आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, चाहे वो कॉलेज की किसी क्लास की वजह से या किसी और किसी काम की वजह से, तो आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को ऐप के थ्रू कवर कर सकते हैं। आपकी कोई क्लास मिस नहीं होने वाली है। जिस तरह हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वही क्लास आपको ऐप पर मिलने वाली है। तो क्लास मिस भी हो रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके पास जब भी टाइम हो आप उस क्लास को, उस कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। इसका मतलब जो लोग काम कर रहे हैं जिनकी कोई जॉब लग गई है, बिल्कुल वो करना चाहे तो बिल्कुल सर, ये अपीयरिंग कैंडिडेट्स और जो भी हमारे वर्किंग क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। घर बैठा हुआ है CTS, वो कैसे दूर? नहीं सर, देखिए बच्चों के दिमाग में ये चीज रहती है कि सिलेबस बहुत वास्ट है और ये पूरा खेल जो है स्ट्रेटेजी का है। आपको हर चीज पता हो ये जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ वो पता होना चाहिए जो आपके सिलेबस का पार्ट है। DS में हमें हर चीज नहीं पढ़नी, हमने 10 से 12 साल के क्वेश्चंस को हमारी टीम ने अच्छे से एनालाइज किया है और उसके बेसिस पे कुछ टॉपिक्स को हमने लिस्टेड किया है, उन्हीं टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे और मैं आपको अश्योर करता हूं कि उन टॉपिक से आपके 80 to 85% क्वेश्चंस आने वाले हैं, चाहे वो स्टेटमेंट्स वाले आए या डायरेक्ट आए। आप आराम से एलिमिनेशन मेथड या फिर आपके नॉलेज के बेस पर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू भवानी सर। थैंक यू सर। अभी मैथ्स और स्टडीज की तो हमने बात कर ली, अब बात रही इंग्लिश। इंग्लिश में जो मेरा एक्सपीरियंस, बच्चे बहुत कुताही बरतते हैं और कैजुअली चले जाते हैं और लूज आउट कर जाते हैं मार्क्स में, जबकि अगर CDS में मेरिट बनानी है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश का पेपर है, नाइस करके मेरिट बनाया जा सकता। हमारे साथ में हमारी इंग्लिश की मैम है, लेकिन जनरेशन यहाँ पढ़ा रही है, इनकी मदर भी हमारे यहाँ पढ़ाया करती थी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनके पास में कितनी। जब आप इंग्लिश के पेपर को डील करते हैं, मैम आपको बताएगी स्पोकन इंग्लिश और एक्चुअल ग्रामर इंग्लिश में क्या अंतर है, उसको कैसे पकड़े बच्चे ताकि वो गलतियां ना करे छोटी छोटी जो वैसे बच्चे कराते। तो सर एंड हेलो चिल्ड्रन, I'm Goldie here, as sir has already introduced, and I'm teaching English at the Cavalier. Now, the Cavalier is the defense aspirants number one institute from the past 20 years. And on popular demand, we've started the online crash course for CDS. And jaise abhi hamari faculty ne bola, especially for people who are not able to make it for the offline courses, jaise working professionals or college students. Ab English ka, if you have seen the PYQs, to aapne dekha hai, there are a large number of questions. Majority of questions are coming from the English language. And that means there are about 120 questions. But wahi baat hai ki humare paas strategy honi chahiye so that we understand how to get the maximum out of those 120 questions or humare negatives are not outscoring our positives. So we are working in this crash course on our section-wise basis so that in every section, whether it is parts of speech, or whether it is idioms or whether it is spotting errors, we are working on our strengths and trying to remove our weaknesses so that we can perform to the best of our ability. Aur agar aap ye crash course daily attend karte hain, which is for a short period of 30 days, which is starting from 12th March, to uske andar aapko daily test, weekly test, you also have a full length test
सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको दो घंटे के अंदर जब बैठना है, सो यू आर इन द एग्जाम मोड, और आपको शॉर्टेज ऑफ टाइम ना लगे ड्यूरिंग योर एक्चुअल एग्जामिनेशन पेपर. एंड देर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, क्योंकि हम वोकैबुलरी भी आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे अटेम्प्ट करनी है, सो दैट यू आर एबल टू स्कोर द हाइएस्ट इन द इंग्लिश पेपर. दैट इज इट. मैम आप सर मेरिट में आना चाहते हो उसको, राइट सर? और जैसे कि आप भी डिटेल, राइट सर? सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड स्पेशली आई वाज सरप्राइज्ड कि वोकैबुलरी जो हमने कराई है, idioms ditto वही आए हैं पेपर के अंदर, एंड इवन synonyms और antonyms जो हमने क्लास में, इनफैक्ट बच्चों का फीडबैक यही रहा है कि हमने जैसे ही इंग्लिश का पेपर खोला तो हमें लगा कि हम इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं और वही क्वेश्चंस जो मैम टेस्ट में दे रही थी वही क्वेश्चंस हमारे पेपर में. सो दे हैव बीन एबल टू अटेम्प्ट ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, दैट इज व्हाई. तो आपका यही एक्सपीरियंस सीरियस के पेपर? यस सर. तो मैम ये जो वर्ड्स हैं जो जिसके स्पेलिंग्स में हो, हाँ जी, अब ये सेल्फ करेक्शन आ गया हमारा एआई के हिसाब से, राइट, तो स्पेलिंग राइट सर, स्पेलिंग्स को कैसे डील करें? सर स्पेलिंग्स के लिए कुछ एक टिप्स और ट्रिक्स हैं जो हम उनको बताते हैं, एंड इफ दे अंडरस्टैंड दोस टिप्स एंड ट्रिक्स सो दे आर एबल टू एलिमिनेट द आंसर्स एंड दे आर एबल टू गेट द करेक्ट आंसर. दैट इज व्हाई. नेक्स्ट और बताइए, विल यू? सर इंग्लिश तो इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएगी, हिंदी में तो पढ़ा नहीं सकते. सो मेक श्योर आई विल सून आपको जो हिंदी में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है वो आपके काम में नहीं आती. दूसरा ये है कि अगर आप वैसे करेंगे तो एसएसबी में प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर ऑल अवेयर, आप सब जानते हैं जो पहले दिन स्पीलिंग, और अगर आप उसमें नहीं बोल पाए इंग्लिश में तो आपकी सारी मेहनत जाया जाए. तो 30 दिन का जो हम यहाँ पर आपको प्रोग्राम करवा रहे हैं, और इसमें हमें बहुत यकीन है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और उसी यकीन को लेते हुए हमने एक स्पेशल आपके लिए ऑफर किया है. मुझे यकीन है कि आप अधिकतर लोग एग्जाम पास करोगे, और यहाँ जब एसएसबी कोचिंग के लिए आओगे तो आपकी जो पूरी जो आपने 4,999 जो फीस दी है वो एसएसबी की फीस में डिस्काउंट हो, और हमें पूरा यकीन है कि आप में से अधिकतर लोग पास करके हमारे पास हैं. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. मेक श्योर दैट यू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली. ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये आती है कि अधिकतर लोग के अंदर कैजुअल हो जाते हैं, तो आप कैजुअल मत रहिएगा. अगर आपको 5-6 घंटे पढ़ाई कराई जा रही है तो आप जरूर करिएगा, और जब तक उसकी रिविजन नहीं करेंगे का पूरे पढ़ाई का फायदा नहीं. ऑल द बेस्ट. जैसे हमारे प्रीवियस ईयर्स में रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, आई एम श्योर कि आप भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, एंड वी विल ऑल बिकम ऑफिसर्स एंड कम एंड मीट अस आफ्टर वेयरिंग योर यूनिफॉर्म. ऑल द बेस्ट.